नहीं दिनांक 4 तारीख को लगभग 2:30 बजे मैं अपना RTTPS में जातीय निवास का प्रतिवेदन लिख रहा था। उसी दौरान तैयब खान के द्वारा मेरे मोबाइल पर कॉल किया गया कि आप कहाँ हैं। मतलब बताया गया कि जातीय निवास लिख रहे हैं RTTPS काउंटर पर, थोड़ा बाहर आइए ना। 22 दिखाने की बात हुई तो उस दिन लाइन ऑर्डर के जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा सभागार में मीटिंग हो रहा था। चूंकि हम बोले कि राजस्व विलेख में 22 जमा होता है और इसका कस्टोडियन अंचलाधिकारी महोदय होते हैं, वो आते हैं तो अपना 22 देख लीजिएगा। इसी दौरान उन लोग तैयब का और उन लोग चापा चार लोगों के द्वारा हम पास मुलाकात जी। यह मामला हम लोग के संज्ञान में आया था, जो भी वादी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करके जो भी तत्काल हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार हम लोग जो भी अक्यूज्ड में हैं उन पे हम लोग गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी भी किया जा रहा है थाना के द्वारा। वो जल्द ही जो भी अक्यूज्ड को हम लोग जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। किस थाना क्षेत्र का मामला है सर? ये चांद थाना क्षेत्र का मामला है। क्या कार्रवाई चल रही है? जैसे मैंने बताया कि जो भी अक्यूज्ड है उनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उनके जो भी ठिकाने हैं उसमें लगातार छापेमारी किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। एक राजस्व कर्मचारी हैं, चांद अंचल में कार्यरत थे, किसी बात को लेकर शायद अनबन हुई थी, उसी संबंध में इस प्रकार की घटना घटित हुई है। हम लोग और भी जो भी तथ्य हैं उनके तहकीकात कर रहे हैं।